ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5 का सोल्यूशन हमारा कंटिन्यू था। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हम कर चुके हैं, बकिया पार्ट्स को इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। यहाँ पर x1 + x2 + x3 = a, x1 + 1 + a × x2 + x3 = 2a, x1 + x2 + 1 + a × x3 = 3a। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल 1 को, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 2 को, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 3 को। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास इक्वल के उस साइड पर जो भी वैल्यूज़ होंगी इनको यहाँ पर डॉटेड लाइन के इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, x1 के जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर 1 1 1 वो लिख देंगे, x2 के कोफिशिएंट क्या है 1 1 + a 1 ये लिख देंगे तरतीब से इस तरह से। यहाँ पर क्या है 1 1 एंड 1 + a, तो इस तरह से लिखा जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर हम क्या काम करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद यहाँ पर देखते हैं लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए। फर्स्ट रो का 1 होना चाहिए और इसके नीचे की एंट्री सारी की सारी 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी 1 है तो यहाँ की सिर्फ एंट्रीज़ को हमने 0 करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं रफ में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये 1 है, इसके नीचे आप इन दोनों को एंट्रीज़ को क्या करना है, 0 करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, R2 - R1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये R3 - R1 कर देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या करें, यहाँ पर R2 - R1, तो R2 पहले आ जाएगी, यहाँ पर क्या है R2 1 1 + a 1 एंड 2a, R1 क्या है 1 1 1 और ये आखिरी क्या है a। माइनस करना है तो यहाँ माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ए, यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल आउट, ए बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 0a 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 0a। ठीक है, अब इस तरह से क्या करना है हमने, R3 - R1 करना है ताकि ये वाली टर्म भी क्या, ये एलिमेंट भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो R3 लिखेंगे यहाँ पर 1 1 1 + a और आखिरी क्या है 3a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 क्या है, R1 के एलिमेंट्स क्या हैं 1 1 1 a, इनको सिम्प्लीफाई करेंगे, माइनस करेंगे हम, ये 0 ये 0, यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल आउट, a, यहाँ पर 3a - a 2a, सो देयरफॉर 0 0 a 2a। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं, अब इसको मुझे करना है 1। ठीक है, नेक्स्ट रो का पहला एलिमेंट जो होगा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट जो भी होगा, ये तो क्योंकि 0 है तो हमेशा ये तो लीडिंग एलिमेंट के नीचे आ रहे हैं तो 0 रहेंगे, अगला एलिमेंट जो भी होगा 1 होना चाहिए। अब इसको मुझे 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 / a से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये ऑलरेडी 1 हो जाएगा इजीली, बिकॉज यहाँ पर भी क्या होगा, 1 / a से a और a कैंसिल आउट, सो देयरफॉर 1 / a × R2 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 / a × R2, तो ये 0 1 0 1, बाकी सारी रो 1 भी सेम रहेगी, रो 3 भी सेम रहेगी। अब ये 1 हो गया, इसके नीचे की एंट्री को क्या करना है मुझे, 0 करना है, सो देयरफॉर ये तो ऑलरेडी 0 है तो यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं इससे, तो लीडिंग एलिमेंट 1, इसके नीचे की एंट्री 0, सो अब मुझे इसको करना है 1। नेक्स्ट रो 3 का ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, ए है, इसको मुझे करना है 1, सो देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 1 / a × R3 कर देंगे तो ये मेरे पास भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 / a × R3 ये भी 1 हो गया, 2a/a ये भी 2 हो गया, सो देयरफॉर अब मेरे पास क्या है, ये रो एशनॉन फॉर्म आ चुकी है 1 1 1, इनके लीडिंग एलिमेंट्स और इनकी ये नीचे की एंट्री 0 हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, x3 = 2, यहाँ से इक्वेशन आ जाएंगे मेरे पास x3 = 2, x2 = ये कोफिशिएंट ऑफ x2 है = 1, x2 = 1 हो गया, एंड लास्ट इक्वेशन क्या है, x1 + x2 + x3 = a, तो x1 + x2 + x3 = a। अब इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे और फाइंड कर लेंगे x1 की वैल्यू, बिकॉज x2 और x3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मतलब हमने फाइंड कर ली है, सिर्फ x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए x2 और x3 के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर, और x1 की वैल्यू भी हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पुट x2 = 1 एंड x3 = 2, तो यहाँ पर पुट करने पे क्या हो जाएगा, x1 + 1 + 2 = a, x1 = a - 3, सो देयरफॉर आवर अननोन वैल्यूज आर a - 3 a 1 एंड 2, तो ये हमने सर फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, x1 + x2 - x3 = 1, x2 + x3 - x4 = 1, x3 + x4 - x5 = 1, एंड x5 + x4 - x3 = 1, x4 + x3 - x2 = 1। सो देयरफॉर x5 तक जा रहे हैं, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 हैं
और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ इक्वेशन भी 5 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 5 हैं। तो सबसे पहले बना लेंगे इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ रोज 5 बनेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स 6 बनेंगे, बिकॉज एक साइड के इक्वल के इस साइड की वैल्यूज का भी कॉलम होगा। सो देयरफॉर पहला कॉलम रिप्रेजेंट करेगा x1 के कोएफिशिएंट को, फिर x2 के कोएफिशिएंट, x3 के कोएफिशिएंट, x4 एंड x5, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इक्वल के इस साइड की वैल्यूज। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी इसकी, यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट है 1 आ गया, इक्वेशन 2 में कोई कोएफिशिएंट ऑफ x1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इन तीनों में नहीं है, तो यहाँ पर सब एलिमेंट्स, यहाँ पर सारी एंट्री 0 हो जाएंगी। फिर इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे x2 का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x2 का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x2 नहीं है तो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर -1, तो इस तरह से तरतीब से लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ से आप देखकर इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर मेकिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वी हैव टू फॉर्म के 1 जो है हमारे पास लीडिंग एलिमेंट रो का, रो 1 का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, और इसके नीचे की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, रो 2 की तरफ बढ़ेंगे, और रो 2 के अंदर जो भी लीडिंग एलिमेंट होगा, यानी कि इस 1 के नीचे की सारी एंट्री 0 के बाद का जो एलिमेंट जो भी होगा, यहाँ पे ये हो या कोई भी हो, जो लीडिंग 1 बनाएंगे हम, उसके नीचे की सारी एंट्रीज 0 और उसकी ऊपर की सारी एंट्रीज भी 0 करनी पड़ेगी। तो देयरफॉर यहाँ पर ये दोनों एंट्रीज ऑलरेडी 0 हैं, इसको और इन दो, इसको दो एंट्रीज को 0 करना है, देयरफॉर R1 और R5 के इन एलिमेंट्स को 0 करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, R1 माइनस R2 कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1-1 0, एंड R5 प्लस R2 कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1+1 0। सो देयरफॉर यहाँ पर हम ऑपरेशन लिख देंगे, R1 - R2 अगर करूँ तो क्या हो जाएगा, R1 ये है मेरे पास, -R2, 1-0 1, 1-1 0, -1+1 सॉरी -1 -1 माइनस का 2 0, -1+ 1 हो जाएगा, 0-0 0, 1-1 0। ठीक है, R1 में से R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने माइनस करवा दिया। इसी तरह से R5 + R2, मतलब कि R5 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स R2 के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो ये 0 इसमें ऐड होगा, 0+0 0, -1 और ये +1 0, +1 और ये +1 2 हो जाएगा, 1-1 0, 0+0 0, 1+1 ये भी हो जाएगा 2, therefore इसको भी यहाँ पे लिखेंगे 2। आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या होगा, लीडिंग एलिमेंट 1, इसके नीचे की एंट्री 0, ऊपर की एंट्री 0। अब रो 3 की तरफ बढ़ेंगे, रो 3 का लीडिंग एलिमेंट ये होगा, इसके नीचे की एंट्रीज 0 नहीं है और यहाँ पर भी 0 नहीं है, सो देयरफॉर हमें 1, 2, 3, 4 एंट्रीज को 0 करना पड़ेगा। इट्स मीन मैं रो 3 को यूज़ करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर रो 2 को यूज़ किया था इससे प्रीवियस के अंदर, तो यहाँ पर मैं रो 3 यूज़ करूँगा और रो 1, 2, 3 और 4 के इन एलिमेंट्स को 0 करूँगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, रो 1 में क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर कंपेयर करने के लिए ये भी सामने रख लेते हैं। रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 3, हमने ये पहले ऑपरेशन अप्लाई किया है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, रो 3 को यूज़ करना है जिसमें 1 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस के 2 में प्लस का 2 ऐड होगा तभी यहाँ पर 0 होगा। सो देयरफॉर रो 1 में 2 टाइम्स रो 3 करना है हमने। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको एक बार रफ में देख लेते हैं ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, रो 1 के इस एलिमेंट को मुझे 0 करना है यूजिंग रो 3। सो रो 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, रो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो रो 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 0 2 2 -2 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट, अब रो 1 क्या है मेरे पास, 1 0 -2 1 0 0, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 0 0 3 -2 एंड 2।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1003 माइनस 2 2। अब इसी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, रो 2 के इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है। इसको सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, आर 2 माइनस आर 3 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 0 माइनस 1 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। इसी तरह से इस एलिमेंट को ज़ीरो करने के लिए रो 3 को यूज़ करते हुए ये 0 0 एज इट इज़ रहेंगे, माइनस का 1 प्लस का 1 0, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2। इसी तरह से रो 5 का जो एलिमेंट है ये वाला, इसको मुझे ज़ीरो करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर रो 3 को मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 करवाना पड़ेगा, रो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो क्या हो जाएगा मेरे पास, रो 3 हो जाएगी 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है। अब रो 5 क्या है मेरे पास, 0 0 2 0 0 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट, सो देयरफॉर ये 0 0 ये भी कट गया 0 माइनस 2 2 ये भी कट गया 0, तो ये आ गया मेरे पास 0 0 0 माइनस 2 2 एंड 0। देयरफॉर आगे बढ़ेंगे इसके बाद, अब मेरे पास यहाँ तक आ गया है। अब इस 1 के नीचे की एंट्रीज, ऊपर के नीचे सारी एंट्रीज 0 हो चुकी हैं। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉइंट 2 कर दूंगा, तो मेरे पास रो 4 को मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉइंट 2 कर दें तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। सो देयर फोर 1 अपॉइंट 2 टाइम्स आर 4 ये 1 हो गया 0, और ये भी 2 डिवाइड बाय 2 वही 1 हो गया। अब इस 1 को 0 1 को यूज़ करना है, आर 4 के एलिमेंट को यूज़ करना है, और ये 3 एंट्रीज और ये एक एंट्रीज को ज़ीरो करना है। तो इसको सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर 0 0 एंट्रीज को करवाया है, सिमिलरली आपने उसी तरह से इसको यूज़ करना है। ऑपरेशन जो मैं यूज़ करूँगा, क्या करूँगा, रो 4 को यूज़ करूँगा रो 1 में भी इस एंट्रीज को ज़ीरो करने के लिए, रो 4 को यूज़ करते हैं रो 2 को एंट्रीज को ज़ीरो करने के लिए, रो 4 को यूज़ करेंगे रो 3 की इस एंट्रीज को ज़ीरो करने के लिए, एंड सिमिलरली रो 4 को यूज़ करेंगे रो 5 की एंट्रीज को। मतलब एक ही रो को यूज़ करेंगे हम और बाकी सब एंट्रीज को ज़ीरो करने के लिए, बाकी सब रोज की एंट्रीज को ज़ीरो करने के लिए। तो इस तरह से मेरे पास ये एंट्री भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएंगी। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, इस 2 को मुझे क्या करना है, 1 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 कर देंगे, तो 1 अपॉन 2 टाइम्स आर 5 ये एंट्री भी 1 हो गई और ये भी 1 हो गई। अब इस 1 के ऊपर की सारी एंट्रीज को मुझे ज़ीरो करना है, तो मैं रो 5 को यूज़ करूँगा और रो 3 रो 2 और रो 1 की इन एंट्रीज को ज़ीरो करूँगा। तो ऑपरेशन क्या होंगे इसके लिए मेरे पास, रो 1 प्लस 2 टाइम्स आर 5, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय आर 5 करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 0, एंड रो 2 माइनस आर 5 1 माइनस 1 0, रो 3 प्लस आर 5 माइनस 1 प्लस 1 0, तो ये एंट्री भी इस तरह से 0 हो जाएंगी। तो फाइनल मेरे पास जो बनेगी मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसको, लीडिंग एलिमेंट 1 इसकी नीचे की एंट्री 0, लीडिंग एलिमेंट 1 इसके नीचे की और ऊपर की एंट्री 0, लीडिंग एलिमेंट 1 नीचे की और ऊपर की एंट्री 0, लीडिंग एलिमेंट 1 ये एंट्रीज और इसकी सारी एंट्री 0। इस तरह से सिमिलरली यहाँ पर ही लीडिंग एलिमेंट 1 इसके जो ऊपर की सारी एंट्री 0, ये मेरे पास आ चुकी है रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म के अंदर। तो फाइनल मेरे पास क्या होगा, सॉल्यूशन इसका इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसको बैक सब्स्टिट्यूशन लगानी नहीं पड़ेगी। तो एक्स वन क्या आ जाएगा, कॉलम 1 एक्स वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वन इक्वल टू 1, एक्स टू इक्वल टू 1, एक्स थ्री इक्वल टू 1, एक्स थ्री इक्वल एक्स फोर इक्वल टू 1 एंड एक्स फाइव इक्वल टू 1। दिस इज माई फाइनल सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 7। इसमें है नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं 3 एंड नंबर ऑफ अननोन्स भी हैं कितने, 3। सबसे पहले बना लेंगे इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी इसकी, नंबर ऑफ यहाँ पर बनेगा कॉलम नंबर 1 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे इन सब कोफिशिएंट्स को, ये लिख देंगे हम। यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2 एंड माइनस 8, एंड यहाँ पर क्या है 5 2 एंड माइनस 4 एंड 4 2 एंड 1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब बन जाएगी तो हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करना होता है हमने रो एचलॉन फॉर्म में या रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म में। तो जो भी फॉर्म बनेगी, सबसे पहले पहला टास्क क्या होता है, रो 1 का लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस 2 को मुझे करना है 1। इस 2 को 1 करने के लिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं पूरी रो को तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, बिकॉज जब मैं 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 अपॉन 2 आ जाएगा,
जो कि मुझे बाद में सिंप्लीफाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं इस स्टेप को अवॉइड करूँगा। बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, किसी भी दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज के ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। तो अगर किसी दो रोज़ को इंटरचेंज करवाना है तो यहाँ पर तो ऑलरेडी किसी में वन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास इस वक्त जो है पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करवा लेता हूँ, किसी भी दो रोज़ को यूज़ करके किसी भी एंट्री में यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर वन कर लेता हूँ। तो जो आसान लग रहा है मुझे, क्या क्या लग रहा है, अगर मैं रो टू माइनस रो वन कर लूँ तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, बाद में इसको मैं क्या करवा लूँगा, इंटरचेंज करवा लूँगा दो रोज़ को। तो ये स्टेप मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, रो टू माइनस रो वन तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा, 2 -5 -3 आ जाएगा, 2 -4 -2 आ जाएगा। इसी तरह से 5 -8 -4 एंड 1 एज इट इज रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप स्टेप मेरा क्या होगा, रो टू एंड रो वन को आपस में इंटरचेंज करवा लेते हैं। तो दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज करवा लेंगे तो मेरे पास फर्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये -3 ऊपर चला जाएगा, -3 ऊपर, और ये -2 ऊपर चला जाएगा। सो देयर फोर रो 1 मेरे पास रो 2 बन गई और रो 2 मेरे पास रो 1 बन गई। अब इसमें लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसको रो 1 को यूज़ करते हुए मुझे इसको और इसको, इन दोनों एंट्रीज को ज़ीरो करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों को ज़ीरो करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं रो 2 में से रो 1 माइनस करवा दूँ मल्टीप्लाई बाय 2 करवा के, इसी तरह से रो 3 में से रो 1 माइनस करवा दूँ मल्टीप्लाई बाय 5 करवा के, तो मेरे पास ये दोनों एंट्रीज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको हम कर लेते हैं रफ वर्क के अंदर, रो 3 ऊपर रखी जाएगी, रो 3 या रो 2, यहाँ पे मेरे पास रो 2 क्या है, पहले इसको लिख लेता हूँ, रो 2 क्या है मेरे पास, 2 1 5 एंड 4। रो 1 को यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करवा के, मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 मल्टीप्लाई बाय 2 -4। अब मुझे क्या करना था, माइनस करवाना था, माइनस प्लस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 0 7 11 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगी एंट्रीज, रो 2 की एंट्रीज आ जाएंगी 0 7 11 एंड 8। इसी तरह से अब मैं रो 3 को यूज़ करूँगा, रो 3 क्या है मेरे पास, 5 -8 -4 एंड 1। रो 1 को यूज़ करते हुए, रो 1 क्या थी मेरे पास, 1, इसको मल्टीप्लाई 5 करवाना है, तो ये हो जाएगा 5 -15 -15 -10 मल्टीप्लाई बाय माइनस, अच्छा माइनस मल्टीप्लाई करवा दें बिकॉज हम माइनस करवा रहे हैं इनको, प्लस प्लस प्लस, कैंसिल आउट, 0 7 11 एंड 11। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगी रो 3 0 7 11 एंड 11। तो ये हमने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए कि R2 -2 times R1, R3 -5 times R1। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये लीडिंग एलिमेंट 1, इसके नीचे एंट्री 0, अब इस लीडिंग एलिमेंट को लीडिंग एलिमेंट 1 करना है। ठीक है, तो जो भी लीडिंग एलिमेंट 1 होता है इसके राइट साइड पे हमें 1 करना होता है। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1/7 कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसमें भी 7, इसमें भी 7 है, दोनों के अंदर क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/7 कर दूँगा इसको मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1/7 times R2, तो ये मेरे पास हो जाएगी 0 1 11/7 8/7। तो यहाँ तक मेरा जो है टास्क मुकम्मल हो गया। अब इस 1 के नीचे मुझे क्या करना है, इस लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया इसका सेकंड रो का, इसको मुझे यहाँ पर करना है 0। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, रो 3 माइनस 7 टाइम्स रो 2 कर दूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो रो 3 माइनस 7 टाइम्स रो 2 कर दूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 -0 0, 7 -7 0, 11 -11। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा जो 1/7 से, तो ये 1/7 कट जाएगा आपस में, तो 11 -11 0, 11 -8 क्योंकि ये भी 7 और 7 कट जाएंगे, तो 11 -8 3। सो देयर फोर मेरे पास रो 3 ये आ जाएगी, इसमें ये लीडिंग एलिमेंट के 1 के नीचे 0 हो चुका है। अब अगर देखो मुझे इसको 1 करना था, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, लेकिन ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई इशू नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, अब जो जिसमें सारी एंट्री 0 हैं उसको हम हमेशा आखिर में रखते हैं। अब इसमें सारी एंट्री 0 हैं,
लेकिन एक ये एंट्री जीरो नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि रैंक जो है बराबर होने चाहिए। रैंक ऑफ ए, ये मेरी मैट्रिक्स ए है इस डॉटेड लाइन से पहले की, और डॉटेड लाइन समेत जो मेरी मैट्रिक्स है रैंक ऑफ जो है मैट्रिक्स ए भी है, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, इक्वल कॉन्स्टेंट के अलावा मेरी मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ए होती है। कॉन्स्टेंट के जो इक्वल के कॉन्स्टेंट मिलाकर मेरी मैट्रिक्स क्या होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी होती है। दोनों का अगर रैंक बराबर होगा तभी मेरे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो देयरफॉर मैं चेक कर लेता हूँ, रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी के। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ कितनी है, ए के अंदर, ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ कितनी है, 1 2, ये सारी की सारी रोज़ क्या है, ये सब जीरो है। और ए बी में चेक करते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़, ये भी नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो। सो देयरफॉर रैंक ऑफ ए जो है रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं है। और अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट। और अगर मेरे पास सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होगा तो सोल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं।